बीकॉम और बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बेटर है, तो सो आज के वीडियो में हम बहुत ही लॉजिकल बात करेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। इस वीडियो में हम कोर्स स्ट्रक्चर, फीस, जॉब स्कोप वगैरह तो कंपेयर करेंगे ही, बट उससे भी इम्पोर्टेंट आपको बीबीए और बीकॉम में से किस में जाना चाहिए उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है सुमीर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों अब तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अगर आप मुझे कोई भी क्वेरी पूछते हैं उसका जवाब मैं जरूर देता हूँ। दोस्तों बीबीए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बीकॉम से तो अच्छी ही है, बट आपको मैं कुछ डीप थिंकिंग शेयर करना चाहूंगा। ये जो दुनिया है इसमें हर समय बदलाव होती रहती है। जैसे किसी जमाने में लोगों की नीड थी सिर्फ संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, वही बहुत होता था। उसके लिए टेलीग्राम की आविष्कार हुआ, उसके बाद और अपग्रेडेशन हुई, लैंडलाइन आए, उससे बातें करना आसान हो जाता था। अब लोगों को और कंफर्ट चाहिए था इसलिए मोबाइल की आविष्कार हो गया और लैंडलाइन को मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मोबाइल को रखना आसान था, पॉकेट में लेकर घूम भी सकते थे। फिर धीरे धीरे 2G, फिर 3G, अब तो 4G आने के बाद ऐसा हो गया है वीडियो अगर थोड़ा भी बफर करने लगे तो सिम ही बदल दिया जाता है। इतने सारे बदलाव हुए पर इनमें एक चीज कॉमन था, वो है संदेशा, जिसके लिए इतने अपग्रेडेशन होती रहती है। इस जगह ये बातें बिल्कुल फिट बैठती है कि वक्त से सीखो बदलने का सबक और वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस चीज की दौर आज चल रहा है जरूरी नहीं उन चीजों की डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहे। हाँ, लैंडलाइन आज भी लोग यूज करते हैं पर बहुत कम। नोकिया 3310 जैसे मोबाइल आज भी लोगों के पास मिल जाएंगे पर बहुत कम। उसी तरह आज जिस कोर्स की डिमांड है आने वाले कल में नहीं भी रह सकता है, क्योंकि बदलाव होती रहती है और हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। पर इनमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो है नॉलेज। नए कोर्स आ जाएंगे, नए सिस्टम आ जाएंगी, पर उन सब का मोटिव ये रहेगा कैसे नॉलेज को बढ़ाया जाए। मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ कभी कभी बात क्या करते हैं, अरे आजकल की नौकरियों की समझ नहीं आता, हमारे जमाने में बीकॉम ग्रेजुएट यानी बाबू बने फिरते थे, जॉब तो घर पर मिलती थी और मास्टर्स की डिग्री किसी आईएएस ऑफिसर से तो कम नहीं होता था, पर अभी एमबीए करके भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। दोस्तों मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता पर लॉजिक है जो हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। पहले हम फीस को कंपेयर कर लेते हैं। फीस में दो फैक्टर होती है, एक तो कॉलेज की फीस और दूसरा हॉस्टल का। मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम कर रहे हैं पर उसमें कॉलेज फीस एक साल की 5,000 से 15,000 होती है, पर उसमें हॉस्टल फीस ज्यादा होती है। 3 साल की बीकॉम के लिए आपको 2 लाख खर्च करने पड़ेंगे पर बीबीए के लिए आपको 4 से 5 लाख मिनिमम खर्च करने ही पड़ेंगे। मेरा एक कजन है जो देहरादून से डिजिटल मार्केटिंग में बीबीए कर रहा था, उसे 3 साल के लिए 3.5 लाख खर्च करने पड़े और सिटी में तो और भी ज्यादा होगा। और अगर आप लोकल यूनिवर्सिटी से भी बीबीए करना चाहते हैं तो भी आपको बीकॉम से 3 गुना ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बीबीए एक फैंसी कोर्स है। अब बात आती है बीबीए करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट एमबीए जितना ही है। उससे पहले ये देख लेते हैं बीबीए या बीकॉम करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस ओपन होती है। अगर आप बीबीए करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती है, मास्टर्स में एमकॉम, एमबीए, एमफिल वगैरह कर सकते हैं और प्रोफेशनल डिग्री में सीए, सीएमए, सीएस, एलएलबी। दूसरी ऑप्शन, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, अगर आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती है तो आप जॉब कर सकते हैं। सेम यही 3 ऑप्शंस नॉर्मल बीकॉम करने के बाद भी आपको मिलती है, सिर्फ फर्क इतना है डायरेक्ट प्लेसमेंट बीकॉम में नहीं मिलती। पर बीकॉम ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ओवरऑल नॉलेज मिलेगा, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कहीं कहीं तो मैथ्स भी सिखाया जाता है। बीकॉम करने के बाद आपके लिए दूसरे इंडस्ट्री में जाना आसान हो जाता है, क्योंकि हर चीज का बेसिक तो आपको आता होगा और वो भी कम प्राइस में। मेरे दोस्त, मुझे आपको टेढ़ा मेढ़ा आंसर देने में अच्छा नहीं लगता। बीबीए करके वही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल होना है, जिसके बाद वही आपको मास्टर्स करना है। अगर मास्टर्स ही करना था तो बीकॉम के बाद मास्टर करने में क्या बुराई है, क्योंकि आप बीकॉम के बाद भी मास्टर्स कर सकते हैं। सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 4 लाख खर्च करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होगी। जो नॉलेज आपको बीबीए करने के बाद मिलेगी, एमबीए अगर उसी फील्ड से करेंगे, सेम वही बातें आपको बेटर वे में दोबारा एमबीए में सिखाया जाएगा, जो बीकॉम करने के बाद भी आप एमबीए कर ही सकते हैं। बात तो तब बनती जब बीबीए करने की वजह से आपको इंटर्नशिप करने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे एक्सपोजर मिल रहे हैं, नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो एमबीए में भी ये सब नहीं कराते, तो बीबीए की क्या ही क्वालिटी रह जाएगी। अगर बीबीए के बाद एमबीए ही करना है तो बीकॉम करने के बाद एमबीए करने में क्या ही बुराई है, जिससे आपको ओवरऑल नॉलेज भी रहेगा और क्या पता उस समय किस चीज की दौड़ चल रही हो। और जॉब स्कोप की बात करें तो जॉब में भी कोई खासा डिफरेंस होता नहीं है। बीबीए करने के बाद वही आपको 15,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना मिल जाएगा, 30,000। 30,000 में महीने का गुजारा नहीं होता,
जिंदगी बहुत लंबी है, तब उस समय आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आएगा मास्टर्स ही कर लेता तो बहुत बेहतर होता। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे वो भी शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।